साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार एजुकेशन और स्टार एजुकेशन आप सभी के लिए। रेलवे के अंदर एक नई वैकेंसी आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, साउथ ईस्ट रेलवे के अंदर एक नई वैकेंसी आई है। ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा। तब तक दोस्तों ये वीडियो शुरू देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले रेलवे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर जरूर करें। तो दोस्तों रेलवे का नया अपडेट, नया रिक्वायरमेंट, वो हम आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि रेलवे की भर्ती कहाँ और कब निकली है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे के अंदर जो भी पैनल निकलता है तो आपके सामने निकलता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक जो नया वैकेंसी निकला है तो उस नई वैकेंसी के ऊपर अपडेट करेंगे और आप सभी के लिए परफॉर्मा तैयार करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी की ओर से एक नया वैकेंसी निकला है, वो हम आपको देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा विज्ञप्ति आपके सामने, क्या क्या डिटेल है इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए रेलवे की हर अपडेट आपको मिलने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों रीजन का नाम है कोलकाता, साउथ ईस्ट रेलवे के अंदर वैकेंसी निकली है। ये निकली है आप देख सकते हैं दोस्तों 3 जनवरी 2022 से लेकर 2 फरवरी 2022 तक। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए एक और मौका है, मैं आपको सबसे बड़ा जूम करके बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आप सभी वैकेंसी का पूरा जो अपडेट है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अंदर दे रखा है कि 11 फरवरी 2022 इसकी क्या है क्लोजिंग डेट है। दोस्तों इसके अंदर कौन कौन भाग ले सकते हैं वो मैं डिटेल के माध्यम से बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कुल 21 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है दोस्तों, कुल हमारे यहाँ पर 21 पोस्ट है और उसके साथ में यहाँ पर ग्रेड पे 2800 से 2400 और उसके बाद में 2000 से 1900 ग्रेड पे दे रखा है, जिसके अंदर SC ST लिमिट दे रखी। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे उसकी जो एज लिमिट है 18 से लेकर 35 साल तक है, तो 25 साल है, तो आप यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर क्या क्वालिफाई मांगा गया वो डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख SC ST OBC कैंडिडेट और साथ में कॉपी बाई यानी 10वीं पास मिलिट्री फॉर 10वीं पास और वो भी आपको बोर्ड ऑफ से होनी चाहिए, जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ का सबमिट हो, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी बहुत जरूरी है। अब उसके बाद में यहाँ आपकी जो सैलरी पे है, सैलरी पे से संबंधित, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सैलरी पे आप सभी के लिए अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते 20,200 लेवल 5 और लाइफ 4 है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 5200 से लेकर पे ग्रेड 7 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सभी के लिए अलग अलग जो वैकेंसी है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों इसके अंदर फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, सबसे पहले जिसके पास सीनियर और जूनियर का अपडेट है, यानी जूनियर और सीनियर, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा। सबसे पहले आपका एथलेटिक्स, कौन सा दोस्तों, एथलेटिक्स, साथ में हॉकी और आर्चरी के अंदर स्पोर्ट्स गेम होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास है तो यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए कॉलम के अंदर दे रखी है बिल्कुल गेमिंग दे रखी है, गेमिंग के लिए इसके अंदर बॉक्सिंग है, गेमलिंग है, हॉकी है और क्रिकेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए जो वैकेंसी है आपके सामने, इसके अंदर ऑल इंडिया फेडरेशन से हो या फिर ऑल इंडिया स्टेट चैम्पियनशिप हो या फिर ऑल इंडिया जॉइंट चैम्पियनशिप हो, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए। अंडर 19, अंडर 20, अंडर 21 और अंडर 25 और 17 से 18 अंडर 23 और अंडर 19। तो ये जो है देखिए वुमेन्स, महिला, बॉक्सिंग, बॉल, क्रिकेट, जिमिंग, तो ये इस प्रकार से कुल 15 जो फॉर्म है, 15 अपडेट तक फॉर्म आप भर सकते हैं। उसके साथ साथ में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए नेशनल यूनिवर्सिटी। दोस्तों आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन और साथ में यहाँ पर देखेंगे 12वीं पास, जिसके अंदर आपको 80% स्पीड टाइपिंग स्पीड भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल आप सभी के लिए, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो दोस्तों कोलकाता की ओर से निकला गया। कहाँ से निकला है, कोलकाता की ओर से। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, न तो आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है, तो एग्ज़ाम्स के लिए क्या अपडेट है,
दोस्तों आपका जो मार्क्स है, ये जो आपका मार्क्स है वो क्या मिलेगा, देखिए आपका स्पोर्ट्स का 50 नंबर मिलेगा, फिजिकल गेम्स का 40 में से, क्वालिफाई के लिए 25 और एजुकेशन के लिए 10, यानी आपका कुल 100 मार्क्स का होगा। लेकिन इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा दोस्तों, क्या नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। बिना एग्ज़ाम का आपको केवल अपने गेम की प्रतिस्पर्धा बतानी है कि मैं इस प्रकार से खेल सकता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर आपको लेना है। क्वालिफाई के लिए 65 और 70 नंबर लेके कम से कम अगर लेके आते हैं तो दोस्तों ये आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं www.crcser.com.in के ऊपर आप फॉर्म भर सकते हैं। रेलवे की ओर से नया वैकेंसी निकला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा अपडेट है। और कोई भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेलवे की पल पल की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच, नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।